शब्द का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आर्थिक समस्याओं उत्पन्न होने के कारण। मतलब क्वेश्चन 3 नंबर ला सकता है, आर्थिक समस्या से आप क्या समझते हैं और आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है उसके कारण बताइए। तो चलिए आर्थिक समस्या को पढ़ते हैं। अगर आप नए नए जुड़े हैं मेरे चैनल के साथ या फिर अभी पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। आर्थिक समस्या पढ़ने से पहले हमें 2 बातें ध्यान में रखनी है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में, कोई भी अर्थव्यवस्था हो, उस अर्थव्यवस्था में 2 स्थितियां पाई जाती हैं। सबसे पहले अर्थव्यवस्था के जो उत्पादन के जो साधन होते हैं, उत्पादन के साधन बहुत सीमित होते हैं, यानी कि साधन सीमित होते हैं। और उसके बाद जो लोग होते हैं, मनुष्य की आवश्यकताएँ हैं, वो हमेशा असीमित होते हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होती हैं। यानी किसी अर्थव्यवस्था में साधन सीमित होते हैं और लोगों की आवश्यकताएं असीमित होती हैं, और प्रत्येक अर्थव्यवस्था में सरकार को की जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों की आवश्यकताओं की क्या करे, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करे, इसकी जिम्मेदारी होती है सरकार की। ठीक है, अब बात ये आती है, क्या सरकार प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है? तो जवाब में होगा नहीं, क्योंकि सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती है। अब ऐसे में करना क्या होता है, जब अर्थव्यवस्था में साधन सीमित होते हैं और आवश्यकता असीमित होती हैं, तो हमें ये देखना पड़ता है जो सीमित साधन है, प्रत्येक अर्थव्यवस्था में सीमित साधनों के बहुत सारे वैकल्पिक प्रयोग उपस्थित होते हैं। वैकल्पिक प्रयोग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपये है, आपको 100 रुपये से सामान खरीदना है, तो आपके पास ये विकल्प है 100 रुपये का प्रयोग आप किस किस में कर सकते हैं। मान लीजिए आप सब्जियाँ खरीदनी है, 100 रुपये में आप आलू खरीद सकते हैं, 100 रुपये में आप प्याज खरीद सकते हैं, 100 रुपये में तमाम चीज़ें आप खरीद सकते हैं, लेकिन 100 रुपये में ही खरीद सकते हैं, अंडर के 100 रुपये ही खर्च करना है। तो ऐसे में जो साधन होते हैं, उस साधनों का जो वैकल्पिक प्रयोग होता है, ठीक है ना, ये वैकल्पिक प्रयोग में से हमें उन प्रयोग को चुनना होता है, उस विकल्प को, उस विकल्प को चुनना होता है जिस विकल्प के माध्यम से हम अपने सर्वश्रेष्ठ आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। सर्वश्रेष्ठ आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, मतलब ये होगा कि ऐसी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक हो। तो इसका मतलब आर्थिक समस्या, तो ये जो सबसे आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो हम सर्वश्रेष्ठ विकल्प को चुनते हैं, सर्वश्रेष्ठ विकल्प को चुनना, तो इस सर्वश्रेष्ठ विकल्प को चुनने को कहा जाता है चुनाव की समस्या। चुनाव की समस्या, और किसी भी अर्थव्यवस्था में चुनाव की समस्या को ही आर्थिक समस्या कहते हैं। मतलब 2 लाइन में समझिए, आर्थिक समस्या किसे कहते हैं, सीमित साधन सीमित होने से आवश्यक और जिससे आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, ठीक है ना, अर्थव्यवस्था में सीमित साधन के कई वैकल्पिक प्रयोग होते हैं और उन वैकल्पिक प्रयोग में से सर्वश्रेष्ठ आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करना पड़ता है। तो ये चुनाव करना पड़ता है साधनों की, वो जो है चुनाव की समस्या कहलाता है। चुनाव की समस्या को ही वास्तव में आर्थिक समस्या कहते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि आर्थिक समस्या के उत्पन्न होने के कारण कौन कौन से हैं, समस्याओं के उत्पन्न होने के कारण बहुत सारे कारण हैं जिससे आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है, जिसमें सबसे पहला कारण है कि अर्थव्यवस्था में साधन सीमित होते हैं। अगर हमारे पास असीमित संसाधन है, ठीक है ना, तो अगर असीमित संसाधन है, बहुत ज़्यादा पैसा है, तो हमारे पास कोई समस्या नहीं है, हम अपनी सभी आवश्यकताएं की पूरी कर सकते हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था में साधन सीमित होते हैं जिससे सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती, सबसे मेन प्रॉब्लम ये है।
नंबर टू, साधन सीमित होने के बाद सबसे मेन प्रॉब्लम है साधनों के कई विकल्प होते हैं। अर्थव्यवस्था में साधनों के कई विकल्प मौजूद होते हैं कि साधनों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाए, ये भी एक समस्या है। नंबर तीन, लोगों की आवश्यकताएं, सबसे मेन लोगों की आवश्यकताएं असीमित होती हैं। ठीक है, लोगों की आवश्यकता, अपने सीमित साधन से मान लीजिए आवश्यकता पूर्ति भी करें, कितनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, वो आवश्यकता तो असीमित है, वो कभी खत्म नहीं, आप एक पूर्ति कर देंगे कल नई जन्म ले दे, तो ऐसे में। और उसके बाद चलिए मान लीजिए आवश्यकता के प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता अलग अलग होती है, प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है, कैसे पूर्ति करेंगे, कोई कहेगा मुझे रोटी चाहिए, कोई कहेगा कपड़ा चाहिए, कोई कहेगा मुझे शिक्षा चाहिए, कोई कहेगा मुझे किन चीन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं आप सीमित साधनों से, ये भी एक सीमित समस्या है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सीमित साधनों से आवश्यक पूर्ति के लिए, वो है सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करना, सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करना एक अपने आप में एक समस्या है, चुनाव की समस्या जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ये इतने सारे पॉइंट है जिसके कारण किसी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है, जो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। थैंक यू।